वेलकम टू एजुटेड गाइस। दोस्तों आप जैसे कि देख रहे होंगे पिक्चर में अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के सीएम है उनकी पिक्चर शो हो रही है। तो दोस्तों हम इन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं कि अभी रिसेंटली इशू में क्या हुआ है इनके बारे में बात क्या उनकी बारे में बात करेंगे हम। दोस्तों जैसे कि आप जानते हो कि 2018 के जनवरी में आपके 20 MLO को दिल्ली असेंबली से डिस्क्वालीफाई करने की बात रखी गई है। इलेक्शन कमीशन ने भी इसमें हामी भर दी है कि हाँ इनको 20 जो MLA हैं दिल्ली असेंबली के इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। तो दोस्तों हम उस बारे में बात करेंगे कि उन 20 MLO को दिल्ली असेंबली से क्यों डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है, उनके कारण क्या थे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल्स इनके फेवर में बात करते हैं कि क्यों किन कारणों से डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, डिस्क्वालीफाई का डिसीजन कौन लेता है और किसके ओपिनियन से लेता है वो भी बात करेंगे, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है दोस्तों उस बारे में बात करेंगे क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक बहुत अहम रोल निभाता है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट रूल। दोस्तों उसके बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे कि 20 MLA डिस्क्वालीफाई होने के बाद क्या आपको आपकी दिल्ली में जो सरकार बनी है उसको खतरा है कि नहीं है, आगे क्या क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती है, उस बारे में भी हम बात करेंगे दोस्तों। सो दोस्तों ज़्यादा देर ना करते हुए हम अपनी आगे की बात करते हैं। सबसे पहले हम दोस्तों भारत इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन की फेडरेशन है इंडिया का फेडरल जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारी संघीय शासन प्रणाली जो है उसके बारे में आप देख लो। दोस्तों देखिए पहले होती है हमारी जैसे केंद्र सरकार राज्य सरकार होती है, राज्य सरकार में हमारे MLA आते हैं जो विधानसभा में बनते हैं MLA और MLC, विधान परिषद में MLC बनती हैं और विधानसभा में MLA बनते हैं। दोस्तों इस बारे में हम डीप में चर्चा करेंगे जब हम पॉलिटी के भी वीडियोज डालेंगे उस बारे में बात करेंगे इनके बारे में पूरी, बस आप थोड़ा देख लीजिए कि कैसी कैसी हमारी संघीय शासन प्रणाली होती है। उसके बारे में हम उसके बाद जो हम आर्टिकल की बात हमें आर्टिकल पता होना चाहिए जो पूरा अहम मुद्दा है कि क्या अहम मुद्दा चल रहा है उसके बारे में बात करने के हमें आर्टिकल पता होने चाहिए कौन कौन से आर्टिकल यूज हो रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं 102 आर्टिकल की, ये बहुत ही अहम रोल निभाने वाला है। यदि कोई व्यक्ति सांसद का सदस्य चुने जाने के बाद कुछ लाभ पद ग्रहण कर लेता है अथवा मानसिक रूप से विकृत हो जाता है या दिवालिया हो जाता है अथवा अपनी नागरिकता खो देता है तो ऐसे सदस्य की सदस्य समाप्त घोषित की जा सकती है। यदि कोई सदस्य अयोग्य हो तो अयोग्य घोषित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होगा। ओके दोस्तों मतलब क्या है, देखो जैसे जया बच्चन थी वो आपकी क्या बोलते हैं राज्यसभा की मनोनीत हो गई थी, उनकी जो सीट थी वो मनोनीत हो गई थी, उसको कैंसिल कर दिया गया था इसी आर्टिकल के थ्रू क्योंकि वो उत्तर प्रदेश में जो फिल्म फेडरेशन थी वहां की भी मेंबर थी और वो क्या कर रही थी, देखो जब MLA होता है तो गवर्नमेंट उन्हें स्पेशल बेनिफिट्स प्रोवाइड कराती है आपकी, मतलब जितने भी वेतन भत्ता और जितने भी अधिकार उनके पास होते हैं वो सब के बावजूद वो उत्तर प्रदेश के फिल्म फेडरेशन का जो वहां पे सेंटर था वहां पे उनकी भी अध्यक्ष थी तो उनको वहां से भी मनी पैसे मिल रहे थे, बेनिफिट्स मिल रहे थे और यहां से भी। तो गवर्नमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया है कोई बंदा अगर अपर हाउस लोअर हाउस या कोई भी MLA स्टेट असेंबली में अपनी सीट पक्की कर लेता है तो उसको अपने लाभ का पद छोड़ना पड़ता है, लेकिन जो लोग ऐसे नहीं करते उन लाभ के पदों को नहीं छोड़ते हैं तो उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। दोस्तों अब उसके बाद हम करते हैं आर्टिकल 103 की बात करते हैं। आर्टिकल 3 में यह कहा गया है कि जब किसी सदस्य को अयोग्य ठहराया जाता है या अयोग्य ठहराया जाता है, दोस्तों यहां पे एक चीज नोटिस करिएगा, क्वेश्चन अराइज हुआ है यहां पे उठाया है, हमने कंफर्म नहीं बोल दिया कि वो क्या है अयोग्य है या उसे हम डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, तो दोस्तों उसके लिए क्या करना है, पहले हमने क्वेश्चन रेज किया कि ये क्या डिस्क्वालीफाई हो सकता है, तो वो इशू सबसे पहले हमारे राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति खुद निर्णय नहीं लेगा, राष्ट्रपति क्या करेगा जो हमारा इलेक्शन कमीशन होगा उसको उसका ओपिनियन लेगा और ये क्या है एक परमानेंट रूल है कि वो लेगा ही लेगा, राष्ट्रपति को इलेक्शन कमीशन की इन्फॉर्मेशन सॉरी ओपिनियन लेने ही लेनी होगी वहां से, ये रूल है पक्का, ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति बोलेगा कि नहीं मैं ही ले लेता हूं, ऐसा कुछ नहीं होगा, राष्ट्रपति को इलेक्शन कमीशन की ओपिनियन लेने पड़ेंगे उसके बाद वो अपने डिसीजन लेगा दोस्तों, ठीक है।
103 आर्टिकल में ये कहा गया है सिंपल सा कि जो भी हमारे जब भी क्वेश्चन अराइज होगा कि ये डिस्क्वालीफाई होगा कि नहीं होगा, क्वेश्चन अराइज होगा तो वो सबसे पहले राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति किसको देगा, इलेक्शन कमीशन को देगा और इलेक्शन कमीशन अपना ओपिनियन फिर से राष्ट्रपति को देगा और राष्ट्रपति हमारा तब जाके डिसीजन लेगा कि इसको डिस्क्वालीफाई करना है कि नहीं करना है। उसके बाद हम आते हैं आर्टिकल 191 में दोस्तों। आर्टिकल 191 में क्या गया, यदि कोई सदस्य पद ग्रहण करने के पश्चात भी लाभ या पद धारण कर लिया हो, मानसिक रूप से विकृत दिवालिया हो गया हो अथवा भारत की नागरिकता खो दी हो तो उसकी सदस्य समाप्त की जा सकती है। देखो दोस्तों, सपोज कोई किसी ने एमएलए की सीट ले ली है और एमएलए की सीट लेने के बाद भी उसने अपना जो उसका लाभ पद था वो नहीं छोड़ा है और लोगों को मतलब पता चल गया कि ये लाभ के पद में अभी भी निर्वाचित हैं या अभी भी काम कर रहे हैं लाभ के पद में, तो देखो दोस्तों इसका मतलब ये है कि अगर कोई एमएलए बन गया और वो कहीं और का भी है तो देर इज वो क्या करेगा, अपनी एमएलए की पावर वो कहाँ अपने पर्सनल यूज के लिए यूज कर सकता है और अपने आप के एक पार्शियली हो जाता है यहाँ पे कि वो सारे के सारे अपने फायदे के लिए काम कर सकता है और या तो फिर अपनों के लिए फायदे में काम कर सकता है। तो यही कहा उसने आर्टिकल 191 में यही कहा गया है कि यदि अगर वो लाभ के पद में किया गया हो तो उसकी भी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। अब दोस्तों देखो, हम तीन आर्टिकल पढ़ चुके हैं, 102 आर्टिकल, अनुच्छेद 102, अनुच्छेद 103 और अनुच्छेद 191। दोस्तों आप एक बार अगर आपको समझ नहीं आया तो आप एक बार दोबारा देख लीजिए। हम आगे चलते हैं कि अब बात करते हैं कि अरविंद केजरीवाल के 20 सदस्यों को क्यों डिस्क्वालीफाई किया गया। ओके दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि दिल्ली असेंबली के जो दिल्ली असेंबली में हमारी 70 सीट है जिसमें से 61 सीट्स आप पार्टी को मिली हैं। ओके दोस्तों, आप पार्टी को मिली हैं तो हुआ क्या कि दोस्तों कि जो दिल्ली असेंबली के जो एमएलए थे उनमें से 21 एमएलए को पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी 21 एमएलए ने क्या कर दिया, आपके एमएलए को पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बना दिया गया। ओके दोस्तों, इनके अब मार्च 2015 में पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी होता क्या है दोस्तों, अगर आप देखे जाए तो कोई भी जो मिनिस्टर्स होते हैं उनके जो असिस्टेंट होंगे उनको हम पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बोल सकते हैं। तो उन 21 आप एमएलए को एक मिनिस्टर के क्या बना दिया गया, असिस्टेंट बना दिया गया, ऐसे मान के चल लीजिए आप मार्च 2015 में, उनको पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी वर्ड से हम वो करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं, तो मान के ऐसे मान लीजिए कि वो मिनिस्टर्स के क्या हो गए, असिस्टेंट हो गए। देखिए वो एमएलए तो थे ही थे, साथ में वो मिनिस्टर के क्या बन गए हैं दोस्तों, मिनिस्टर के असिस्टेंट बन गए हैं। तो यहाँ पे क्या हो सकते हैं, वो अपने प्रॉफिट के लिए कुछ भी काम कर सकते हैं, एमएलए तो है ही है साथ में मिनिस्टर के एक असिस्टेंट बन के काम कर रहे हैं। ओके दोस्तों, तो हुआ क्या दोस्तों कि जो इनकी लेजिस्लेटिव, अब इन्होंने क्या कर दिया, उन पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी तो उनको बना दिया, उसके बाद इन्होंने एक एक्ट पारित करने की कोशिश की दिल्ली असेंबली में, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या किया गया, रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट, उसे क्या कहा गया, उन्होंने एक एक्ट पास करने की कोशिश की दिल्ली असेंबली में जिसको बोला गया रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट, जो उस एक्ट में यह था कि वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से अलग किया जाए। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या हुआ दोस्तों कि वो क्या करते हैं, जो हमने अभी बात की कि वो अपनी एमएलए होके उन्हें क्या करना पड़ता है, अपना पद का ग्रहण छोड़ना पड़ता है, मतलब लाभ जिसमें वो लाभ, मतलब कभी भी अगर कोई बंदा एमएलए या फिर पीएम राज्यसभा लोकसभा इसका मेंबर बन जाता है तो उसको जो भी लाभ के पद पे होगा गवर्नमेंट उसमें अपनी वो पद छोड़ना पड़ता है। तो उन्होंने क्या किया, 21 पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी तो पहले बना दिए, उसके बाद दिल्ली असेंबली में एक एक्ट पास करने की कोशिश की, और उस एक्ट पास करने के बाद इन्होंने क्या कहा कि वो जो एक्ट होगा वो क्या होगा, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से अलग होगा ताकि वो जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बने वो काम करते सके। लेकिन दोस्तों जैसे हर कोई नजर रखता है आप, मतलब हर कोई पढ़ता है, चीजें पढ़ता है कि क्या क्या हो रहा है, तो एक प्रशांत पटेल एडवोकेट थे, उन्होंने क्या किया, एक पेटिशन फाइल कर दी और प्रेसिडेंट को पेटिशन फाइल प्रेसिडेंट को दे दी कि जो ये 21 मेंबर्स हैं किसके, आप पार्लियामेंट्री मतलब आपके एमएलए हैं जो 21 जिन्होंने पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बना दिया गया है उनको डिस्क्वालीफाई कर दीजिए एज अकॉर्डिंग टू द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एक्ट, क्योंकि वो लाभ के पद में एमएलए तो थे ही थे, साथ में लाभ के पद भी उन्होंने एक ज्वाइन कर लिया गया था, जो लाभ का पद ज्वाइन कर लिया गया था पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बन के। तो प्रेसिडेंट ने अपना आर्टिकल 103 में
वह जो हमें हमने पढ़ा आर्टिकल 103 का पावर यूज करते हुए ये रेफर कर दिया इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन ने 2015 के बाद इसको पूरा देखा कि क्या है दोस्तों, क्या क्या मैटर है क्या मैटर नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन ने जब एक इलेक्शन कमीशन ने ये जब इलेक्शन कमीशन को मिल गया तो इलेक्शन कमीशन ने जब पूरी चेकिंग की तो हाँ पाया गया कि सच में ऐसा था। और ये जो 21 आपके एमएलए थे वो डिस्क्वालीफाई होने के लिए मतलब उन्होंने काम कर दिया कि वो डिस्क्वालीफाई हो जाएं। तो दोस्तों अभी हमने बात की सिर्फ 20 आप एमएलए डिस्क्वालीफाई में, एक कहां गया तो उसके बारे में बात करते हैं। तो एक जर्नल सिंह थे रजौरी गार्डन्स की, जो उनकी सीट थी जहां से रजौरी गार्डन से, वहां से इन्होंने रिजाइन दे दिया था क्योंकि इन्होंने पंजाब इलेक्शन में इनको फाइट करना था। तो इन्होंने आपकी जो मतलब वहां से रजौरी गार्डन से जो इनको सीट्स मिली थी उन्होंने रिजाइन दे दी थी, इस वजह से ये हट गए थे। लेकिन जो 20 आप एमएलए थे इनके खिलाफ केस चल गया था दोस्तों, और मतलब जो हमारी अभी रिसेंटली न्यूज आई है उसमें ये कहा गया कि जो इलेक्शन कमीशन ने इनको डिस्क्वालीफाई करने के लिए राष्ट्रपति को दोबारा भेज दिया है। अब प्रेसिडेंट देखते हैं हमारे प्रेसिडेंट हैं कि क्या डिसीजन लेते हैं, इनको डिस्क्वालीफाई करते हैं कि नहीं करते हैं, वो अभी देखना बाकी है दोस्तों। अब बात करते हैं कि क्या आप पार्टी को इससे खतरा है कि नहीं है। दोस्तों देखो दिल्ली असेंबली में 70 सीट थी, 70 सीट में से 66 सीट किसके पास थी, आप पार्टी के पास थी, एकदम मेजॉरिटी में थी दोस्तों, मेजॉरिटी इनके पास। लेकिन एक जो जन्नत सिंह थे पंजाब इलेक्शन को जो इनको वो करना था, इन्होंने रिजाइन कर दिया था, तो एक मेंबर इसमें कम हो गया। तो अब आप पार्टी के पास 65 सीट्स हैं 70 में से। दोस्तों अगर हम 20 एमएलए हटा भी दें तो 20 एमएलए हटाने के बाद क्या हो जाएंगे हमारे पास, इनके पास 45। तो 70 सीट का हाफ कितना होता है 35 सीट, मतलब इनके पास अभी भी मेजोरिटी है और इनकी सरकार दिल्ली में अभी बनी रह सकती है। ठीक है दोस्तों, तो अब मगर आगे क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है। देखो दोस्तों जो ये 20 एमएलए जो डिस्क्वालीफाई हुए हैं, मतलब इन 20 लोगों के फिर से क्या होगा, फिर से चुनाव होगा। और अरविंद केजरीवाल की दोस्तों वैसे भी बहुत ज्यादा खिरखिरी मीडिया न्यूज में उड़ती रहती है, तो माइट बी पॉसिबल हो सकता है कि जो 20 सीटों में चुनाव होने वाले हैं उसमें बीजेपी या कांग्रेस अपना कुछ सीटें जीत जाए। तो अब कुछ सीटें जीत सकती हैं, तो जो जो ना के बराबर जिनकी सीट थी दोस्तों, वो अब उनको अगर 10-15 सीट भी मिल गई तो वो क्या हो जाएंगी, एक थोड़ी पावर में आ जाएंगी और उनकी कुछ भी अपनी पावर में आ जाएगी तो वो क्या करेंगी, अपोज करेंगी चीज़ों का, बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा डिस्क्वालीफ, मतलब अपोज करेंगी, काम में अड़चने आएंगी, ऐसा वैसा होगा। तो दोस्तों ये देखने को मिल सकता है। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा, और भी करंट इश्यूज़ में आती रहेगी वीडियो आते रहेंगी। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारे वीडियो का वो होगा बिटकॉइन। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।